हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देश भर में इस समय पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस बार पोषण पखवाड़े के तहत मोटे अनाज को संतुलित आहार में शामिल करने के बारे में बताया जा रहा है। इसी के चलते नाहन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा वर्कर घर घर जाकर महिलाओं को इकट्ठा करके उन्हें मोटे अनाज के प्रयोग से होने वाले लाभ बता रही हैं। नाहन की एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तो महिलाओं को मोटे अनाज के आटे से रोटी बनाना भी सिखा रही हैं और उसे संतुलित आहार बता रही हैं। इसके साथ ही आशा कार्यकर्ता महिलाओं को मोटे अनाज से होने वाले स्वास्थ्य लाभ के बारे में भी जागरूक कर रही हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीता चौहान ने बताया कि वो पोषण पखवाड़े के तहत लोगों को मोटे अनाज से लाभ, उनसे रोटी बनाकर खाना इत्यादि के बारे में बता रही हैं। इसके लिए उन्होंने मोटे अनाज जैसे जौ, कोदा, बाजरा इत्यादि का आटा तैयार किया हुआ है, जिसका वो प्रदर्शन भी करती हैं। इसके साथ ही मोटे अनाज से महिलाओं को होने वाले स्वास्थ्य लाभ की भी जानकारी दी जा रही है। मीरा जोशी ने बताया कि वो भी अपने क्षेत्र में लोगों को मोटे अनाज के बारे में घर घर जाकर जागरूक कर रही हैं और उन्हें इसे प्रयोग में लाने के बारे में भी बता रही हैं। आशा कार्यकर्ता मीना शर्मा ने बताया कि वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ जाती हैं और महिलाओं को मोटे अनाज में मौजूद पोषक तत्वों के बारे में बताती हैं। उल्लेखनीय है कि नाहन में इन महिलाओं का ये प्रयास लोकप्रिय हो रहा है और लोग मोटे अनाज को लेकर जागरूक भी हो रहे हैं। नाहन से हमारे संवाददाता जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। वार्ड नंबर 8 से हूँ और आजकल जो ये पोषण पखवाड़ा चला है इसमें स्वास्थ्य विभाग से आशा वर्कर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को मोटे अनाजों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, इसके लाभ बता रहे हैं लोगों को और इससे जो किन किन बीमारियों से बचा जा सकता है इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। और एक जैसे किसी के घर में जाते हैं तो वहाँ 5-7 लेडीज़ को इकट्ठा करके हम सामुदायिक तौर से भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं और बच्चों का वजन वगैरह भी कर रहे हैं आंगनबाड़ी में कि किसी को अगर पोषण की कमी तो नहीं है, कुपोषित तो नहीं है बच्चा, तो ये सब हम आंगनबाड़ी वर्कर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मीरा जोशी, आंगनवाड़ी सर्कल नाहन से। जैसे कि ये पोषण पखवाड़ा चला हुआ है 20 मार्च से 3 अप्रैल तक, इसमें हम घर घर जा करके मोटी अनाजों के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं और बाकी उसके बारे में कि इसको मतलब अपने भोजन में डेली, जैसे हम भोजन में मतलब सुपोषण को लाने के लिए डेली उनके रूटीन में इस मोटी दालों को, मोटे भोजन को, मोटे अनाजों को अपने रूटीन में लाएं, इसके बारे में बता रहे हैं। सीता चौहान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता डिस्ट्रिक्ट सिरमौर प्रोजेक्ट नाहन के तहत जो हमारा पोषण पखवाड़ा अभियान 20 मार्च 2023 से 3 अप्रैल 2023 तक चला हुआ है, मैं इसके बारे में जो हमारे मोटे अनाज है लोगों को घर घर जानकारी जाकर जानकारी दे रही हूँ, तथा जो हमारे महिला मंडल है, स्वयं सहायता समूह है और जो हमारे बेनिफिशरीज है उनको भी जानकारी दे रही हूँ कि जो हमारे मोटे अनाज है उनके क्या क्या फायदे हैं तथा वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तथा जैसे हमारा जौ हो गया और हमारा गेहूं है, बाजरा है, मंडुआ है जिसे हम रागी भी बोलते हैं, और जो हमारा मक्का है, सभी प्रकार के ये हमारे क्या है मोटे अनाज, तो इनके बारे में मैं लोगों को यही जागरूक कर रही हूँ कि आप इनका प्रयोग अधिक से अधिक करें ताकि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के पौष्टिक तत्व की कमी ना रहें। और गर्भवती महिलाएं हैं और जो हमारी किशोरियां हैं उनको ये इन चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता रहती है क्योंकि उनके शरीर में खून की कमी अधिक कम मात्रा में हो जाती है, क्योंकि गर्भवती को, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं तो जैसे उसके मतलब बच्चा ग्रोथ करता है तो भी उसको अधिक जो हमारा पौष्टिक तत्व है अधिक आवश्यकता होती है, और तथा जो हमारे बेनिफिशरी है, स्वयं सहायता समूह है और महिला मंडल है, मैं उनको यही जानकारी दे रही हूँ कि हम पोषण अभियान के तहत इन जो हमारे मोटे अनाज है हम उनका अधिक से अधिक अपने खाने में प्रयोग करें ताकि हमारा स्वास्थ्य स्वस्थ हो और हमें किसी प्रकार की बीमारी ना लगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।